नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारनपुर कांग्रेस जिला मुख्यालय पर आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती एवं प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी की 36वीं पुण्यतिथि पर दोनों नेताओं और कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का संचालन सेवा दल महानगर अध्यक्ष अमरदीप जैन ने किया। दोनों नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा है कि जहां आपने मजबूत इरादों के धनी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा से नवाजा गया, वहीं अपने कड़े फैसलों के लिए मशहूर श्रीमती इंदिरा गांधी को लौह महिला की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। एआईसीसी सदस्य जावेद साबरी, एआईसीसी सदस्य अशोक सैनी, पीसीसी सदस्य काजी शौकत हुसैन एवं सेवा दल जिला अध्यक्ष इमरान कुरैशी ने भी दोनों नेताओं को नमन करते हुए उनके द्वारा देश के लिए किए गए बलिदानों एवं कार्यों को सराहते हुए उनके बताए गए मार्गों पर चलने की सभी से अपील की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, जावेद साबरी, कांग्रेस जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, सेवा दल जिला अध्यक्ष इमरान कुरैशी, सीला गुलफाम अंसारी आदि सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट। भारत के बहुत महान नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और प्रधानमंत्री, उनकी पुण्यतिथि है। स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, उनकी जयंती है। दो महान नेताओं का आज जयंती और पुण्यतिथि है। हम लोग इनको नमन करते हैं, इनकी महानता को, क्योंकि इन दोनों ही लोगों ने इस देश की अखंडता और एकता के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपना बलिदान तक दिया।